नागरिकता कानून के खिलाफ देश में कई जगहों पर प्रदर्शन हो रहे हैं। अहमदाबाद में भी शाह आलम इलाके में बंद का ऐलान किया गया था। जब पुलिस वहां पर पहुंची तो पुलिस पर एक बड़ा हमला हुआ और कई पुलिसकर्मी घायल हुए। हमारे साथ है हुमान सिंह वाघेला, जो कल जो पथराव हुआ शाह आलम इलाके में वहाँ पे वो बहुत ही घायल हुए हैं। हम उनसे बात करते हैं। हुमान सिंह, बताइए कि जब आप शाह आलम इलाके में पहुँचे तब क्या माजरा था? मैं हाल मणि नगर पुलिस में नौकरी करता हूँ। बंदोबस्त के लिए हमारे को किशनपुर पुलिस स्टेशन भेजा गया था और किशनपुर पुलिस स्टेशन के हद में वो जो शाह आलम जो सबसे बड़ी बांकी दरगाह है वहाँ मेरा मेन गेट पर पॉइंट रखा हुआ था। हम लोगों एसपी साहब, डीसीपी साहब, पीआई साहब, पीएसआई साहब सब लोग एक ही साथ में भारत बजा रहा था। शाम को 5:05 के जो आसपास अंदर दरगाह में इकट्ठे थे लोगों, एकदम दसी आए, उनके हाथ में पोस्टर भी था, पोस्टर के साथ दसी आया तो इतना ज़्यादा जोर से आया, लोगों का जो गुस्सा बहुत तेज था। फिर आगे हम लोगों ने पहले से ही जब रीजनल बाल पुलिस की यहाँ पे खड़ी रखी थी और जो 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 लोग आया उनको टिंगा टोड़ी करके मोबाइल वैन में बिठा दिया। और जब मतलब क्या है, जो बड़े बड़े जो लोग था वो पहले से ही सोच विचार के जी पुलिस के सामने आ गए कि जैसे कि ये लोगों को पुलिस पकड़ ले और पुलिस पकड़ ले तो बाद में जो तूफान वूफान कोई हुए तो उन लोगों के सर पे जिम्मेदारी नहीं आई। मतलब तो वो आपका मतलब वो पहले से तैयार था या अचानक ये सब हुआ? ये लोगों ने पहले से तैयारी करी रखी थी क्योंकि जो पत्थर मारा इतना भी जोरदार हुआ और इतना पत्थर हुआ तो तात्कालिक तो जे पत्थर हो वो लोगों बेकार तो नहीं कर सकता था, लेकिन पूर्व तैयार पूरी पूरी थी उन लोगों को और जैसे ये निकला तो सीधी पुलिस पर ही टूटी पड़ा। और मेरा जो उन लोगों और साइड में पड़ी हुई थी कुर्सी मैं लेके जो सामना कर रहा था तो कुर्सी पर जोरदार पत्थर आया तो कुर्सी भी टूट गई। मेरा साहब एसपी साहब था, उनको बचाने के लिए मैं बीच में पड़ा तो साहब को जोरदार पत्थर लगा तो लोही लुहान हो गया। और बाद में भी फिर भी डीसीपी साहब के वॉर में गया तो जोरदार पत्थर डीसीपी साहब को भी लगा और मेरे को भी पीठ के साथ और जो गुटम ने मेरे को लगा। और कहाँ भागे कहाँ जाइए मैं तो समझा कि मर भी कर गया, अभी इतना जोरदार पत्थर मारा हो रहा था तो कहाँ जाओ और कहाँ ना जाए, कोई जाने के लिए कोई जगह भी नहीं थी। हमारे पास लाठी हेलमेट सब कुछ था लेकिन मौका ही नहीं दिया, जिस लोगों को बस पूरी पूरी तैयारी के साथ टूट ही पड़ा। आपको लगता है कि थोड़ी ज़्यादा अगर पुलिस होती तो थोड़ा ये जो हुआ वो कम हुआ होता? ये जो नहीं, पुलिस को तो ज़्यादा रखने की थी लेकिन क्या है, हम लोगों को था कि जितना बड़ी पूरी तैयारी ये लोगों की नहीं होगी, जैसे पुलिस बचे दिखे लेकिन जिस लोगों ने आकर इतना बड़ा हंगामा जमा दिया और इतने लगभग 5,000 से भी करीब ज़्यादा लोगों था। आपको मतलब जब भीड़ से आप घिर गए थे तब आपके मन में क्या था वहाँ पे? जब मैं भीड़ के बीच में आ गया और जोरदार पत्थर मारा हो रहा था मैंने समझा कि अभी गया बच तो पाएंगे नहीं, लेकिन कोशिश कुर्सी लेके मैं अंड किया, कुर्सी पर भी पत्थर लगा, कुर्सी भी टूट गई, मेरे मैंने साहब के सामने थे फिर भी साहब को पत्थर लगा, सबको लुलवान हो गया, फिर भी डीसीपी साहब को भी लगा और दौड़ के दौड़े। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं जो ने बताया कि खड़े पगे रात दिन देश की प्रजा की हम लोग सेवा कर रहे हैं, नहीं नाच का, नहीं जात का, नहीं बेटी का, नहीं बच्चे का, नहीं सगा संबंधी का, और खड़े पगे रात दिन जो सेवा कर रहे हैं और जो पुलिस वालों पर भी जितने पुलिस रखता है और पुलिस को भी खास करके टारगेट बनाया वो खराब कर। तो ये है पुलिसकर्मी हुमान सिंह वाघेला, जिनका कहना है कि मुश्किल से बच गए हैं। तेजस वैद्य, बीबीसी अहमदाबाद।